यातायात चल रही है, मैं सैफ अली खान हूँ ना, है? तो कहानी शुरू होती है मूछ वाले आईएएस नवीन कस्तूरिया से, जो लोगों को अपनी YouTube वीडियो के लिए समझा रहा है। हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा प्लास्टिक की बोतल को नष्ट कैसे करें, ठीक है? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं। घूस नहीं खाता ना, और घर भी तो चलाना है। वहाँ टीचर अभिलाष बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के नाम पे ज्ञान दे रहा है। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। हाँ मतलब पूरा स्पीच थोड़ा ना सुनाऊंगा यहाँ। जहाँ ये बच्चों को इंस्पायर करके अपने चड्डी बड्डी राजा रवीश कुमार से मिलने जाता है, पर आईएएस नवीन की यूट्यूब वीडियो की बात निकलती है 6 साल पुराने झगड़े का रोना धोना शुरू। अबे साले, तू हमेशा उसकी साइड ले लेता है। मारे जाओगे एक दिन। ये ले, तेरे लिए ये जूते लाया था, यही पहन के निकल यहाँ से। तू एक दो साल में एक बार मिलता है भाई, कुछ ब्रांडेड लाया कर यार। चल तुझे दारू पिलाता हूँ, और हमारे 6 साल पुराने झगड़े की बिचिंग भी तो करनी है। चखना खिलाओ जी। यहाँ पास्ट में टपरी पे बैठा एस्पिरेंट नवीन इज कंफ्यूज्ड, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का और सब्जेक्ट भी चेंज करना है। तो करना, बट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन सा। ऊपर से लोग ताने दे रहे हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा सब्जेक्ट, वो देश के डिसीजन कैसे लेगा परफेक्ट। क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। तो एस्पिरेंट नवीन अपने पड़ोसी संदीप भैया से बॉन्डिंग करने लग जाता है, क्योंकि इनने 2 बार मेंस क्लियर की थी। क्या बात है, बस इंटरव्यू में रह गए थे। ओ तो एटीट्यूड तो होगा ही। भैया समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट लूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, मेरा सब्जेक्ट लेगा। नहीं नहीं भैया, बस गाइडेंस चाहिए आपसे। ओए एक्स्ट्रा स्मार्ट किड, मैं अपना फ्यूचर बनाऊं या तुझे गाइडेंस दूं? ये भी ठीक है। नहीं मिली गाइडेंस तो चलो दारू पी के सोचते। सब 3-3 पैक टल्ली। तो दारू पी के राजा रवीश इसे डांट रहा है कि सब्जेक्ट डिसाइड कर जल्दी नवीन, जल्दी, किसी की मत सुन, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता किसी को, समझा? हेलो, हाँ बेबी, हाँ अभी आया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये छत पे जाता है जहाँ संदीप भैया सुट्टा पी रहे हैं, तो ये फिर से बॉन्डिंग करने लग जाता है कि भैया क्लासिक या मालबोरो गोल्ड फ्लेक तेरे को भी चाहिए? नहीं नहीं भैया, बस सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा है ना। देख छोटे, सब्जेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह होता है, वही चूज करो जिसके मतलब जिसको समझ पाओ, क्योंकि लड़की दिल में आती है, दिमाग में नहीं। वाह संदीप भैया वाह, आपका सरनेम कहीं महेश्वरी तो नहीं? तो फाइनली अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया नवीन ने। हिस्ट्री, इतना टाइम। यहाँ प्रेजेंट टाइम में 2 पैक डाउन टीचर अभिलाष व्हाट्सएप ग्रुप बना के आईएएस नवीन और रवीश कुमार का पैचअप करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि राजा रवीश की होने वाली है शादी, बट नवीन फिर भी ग्रुप लेफ्ट कर देता है। अबे देहाती बच्चा है क्या बे, मुझे तो लगता है ये शादी में भी नहीं आएगा, आईएएस बन गया है ना, ऊपर से यूट्यूब चैनल भी चल रहा है लौंडे का, एटीट्यूड आ गया थोड़ा इसमें। तो अगले दिन पता चलता है शादी के बहाने टीचर अभिलाष नवीन से टेड टॉक करवाना चाहता है अपनी कोचिंग क्लासेस में, ताकि थोड़ा दबदबा बन जाए। अबे साले। तो रवीश कुमार इस बात पे चिढ़ जाता है एंड ही इज लाइक, तेरे यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ इसलिए टीचर बना तू, और अब मेरी शादी के बहाने अपना धंधा चलाना चाहता है, और कितना गिरेगा तू? तो टीचर अभिलाष अपनी कोचिंग क्लासेस में जाके आईएएस नवीन को व्हाट्सएप कर देता है। तू भूल गया ना हमें, ट्राई साइकिल के 3 टायर थे, आज रवीश किसी और का टायर बनने जा रहा है और तू उसकी शादी में नहीं आएगा? ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास्ट में एस्पिरेंट नवीन की कोचिंग स्टार्ट हो गई, बट फर्स्ट लेक्चर में प्रोफेसर बोलता है, यूपीएससी करने आयो? मैं भी 8 साल पहले करने आया था, उधर कोने में बैठता था मैं, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हाँ अबे ये तो डरा रहा है, अब तो कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। एक कोचिंग वाले, पैसा दे मेरा, क्या मतलब माचुदा नहीं दूंगा, माँ बीमार है मेरी, अब तो पैसा दे दे भाई। पर लड़की आके बोली कि 15% फीस कट करके वापस मिल जाएगी अगर 14 दिन में रिफंड मांगोगे तो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एडमिशन फॉर्म पे ऐसा लिखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो वेल लड़की ने बोला तो माँ के नकली बीमारी वाले पेपर जमा कर और पैसे ले जा। वहाँ अब आईएएस नवीन को टीचर अभिलाष ने व्हाट्सएप कर दिया था, तो वो कंफ्यूज होके कॉल कर देता है राजा रवीश को, और थोड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के बाद बोलता है, अरे भाई व्हाट्सएप पे बुलाता है क्या कोई शादी में, है इसलिए ग्रुप लेफ्ट किया, आऊंगा ना मैं, गिफ्ट भी लाऊंगा, बैचलर्स पार्टी का तू देख ले, और रशियंस का नंबर भेज रहा हूँ, बाकी शाम को मिलके प्लान करते हैं, ओके बाई। और यहाँ राजा रवीश के माथे से निकला पसीना, क्योंकि आईएएस नवीन को नहीं पता कि राजा रवीश वेट्स धनिया, आई मीन धैर्या। धैर्या कौन है? रुको बताता हूँ, पहले पास में वापस जल्दी चलो जहाँ ये एस्पिरेंट नवीन लाइब्रेरी जाता है पढ़ने, पर बीच में लगी प्यास तो चलो पानी पीते हैं कि अरे तू फिर से? हाँ कुछ काम से आई थी। अच्छा पानी पीने? नहीं। तो फिर तेरा चश्मा तोड़ने चूतिए। हे राम, ये तो प्रैंक था। मैं अंधा हो गया। अयला सच में टूट गया, सॉरी, चल मैं ठीक करवा दूंगी। तो
तुम कितनी अच्छी हो। अच्छी मच्छी छोड़, ये ले चश्मा और टप्पे पे मेरा नाम लिखा है, देख लेना। धैर्य। अच्छा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो हर जाए, एक बार जो तोरा तो ऐसे ही गांठ फट जाए। इसको तो मैं ही पटाऊंगा। अच्छा पट गई। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। यहाँ प्रेजेंट टाइम में सब ऑकवर्ड है, क्योंकि दिल चाहता है मूवमेंट चल रहा है कि और छोटे किससे शादी कर रहा है पता ना। अबे साले बता देगा ना, तेरी फटके चार हो जाएगी। बताओ बताओ। नहीं। और बोलना। नहीं बोलना मत अचूत। और इसकी फटके 40। और ये बोलता है, अरे कोई नहीं, मैं तो एकदम कूल हूँ, वैसे भी ओयो की रिलेशनशिप ओयो में ही रह जाते हैं। बाय द वे उसका चश्मा और वो डब्बा अभी तक है मेरे पास। तो अब दारू हो गई ज्यादा। ओए आईएएस नवीन, तू 5 मिनट बैठ, मैं रबीश के साथ मूत के हुआ था। जैसे ही राजा रबीश और टीचर अभिलाष मूत के आते हैं कि साला थोड़ी देर पहले आई एम ओवर माय एक्स बोलने वाला आईएएस नवीन बिल भर के निकल लिया। लौंडों के साथ ये हर बार होता है। पास्ट में यूपीएससी से सबकी फटी पड़ी है कि साला यूपीएससी नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है। हम लोग लोहे का व्यापार करेंगे। और एस्पिरेंट नवीन का बॉस भी चिल्ला रहा है कि वापस आ जा वरना जॉब से निकाल देंगे। अब जॉब रिज्यूम करूं या यूपीएससी के लिए तैयारी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मजे कीजिए। तभी संदीप महेश्वरी बताता है कि एंगेजमेंट हो गई भाई मेरी, पर यूपीएससी ना निकला अब तक। अगर इस बार भी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ ना तो क्या, बिकॉज देयर इज नो प्लान बी। प्लान बी इज फॉर पुसीज एंड आई एम नॉट बिकॉज आई एम हॉट। यहाँ राजा रवीश की गर्लफ्रेंड भी पीसीएस क्लियर करके चली जाती है, क्योंकि ओयो के रिलेशनशिप ओयो में ही रह जाते हैं। तो ये सब देख के नवीन जाके धैर्य से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि यूपीएससी क्लियर हुआ तो भी धैर्य आईएएस बन के जाएगी, नहीं हुआ तो भी धैर्य ही आईएएस बन के जाएगी, क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। वहाँ अपना राजा रवीश आईएएस नवीन को जाके बोलता है कि तू शादी में नहीं आएगा। नहीं। क्या है कि हमारी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो ना तुम, अब क्या करोगे। हमारी क्या पूरे प्रदेश की है वो, तूने ब्रेकअप किया उससे, 6 साल से ना हाय ना हेलो, मेरी होने वाली बीवी है वो, गेट ओवर इट नहीं तो फक ऑफ। बट ही कांट गेट ओवर इट, क्योंकि नवीन ने मन लगा के की थी पढ़ाई, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट भी दिया, पर इस बार भी फेल हो गया एस्पिरेंट भाई। मैं तो खुश हूँ इससे। पर गम इस बात का नहीं है, गम तो इस बात का है कि साला संदीप भैया को ऐसे देखना पड़ रहा है। तो टपरी पे राजा रबीश सबको ज्ञान दे रहे हैं कि अरे चिल गाइस, कोई नहीं, लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है। तो नो मोर एस्पिरेंट नवीन इस पे चढ़ जाता है, इतना कि साला सर फोड़ दिया और रबीश कुमारी से छोड़ देता है। अच्छा इसीलिए अब ये दोस्त नहीं है, मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था। अच्छा हुआ। वहाँ अब आईएएस नवीन जॉब पे सबको झाड़ रहा है, क्योंकि 6 साल पुरानी एक्स को बेस्ट फ्रेंड पटाके ले गया ना, जली पड़ी है लौंडे की। पर ये तो फेल हो गया था ना, तो आईएएस कैसे बना। रुको जरा। अच्छा आगे बताएंगे। जी हाँ। तो वहाँ टीचर अभिलाष एक और ट्राई करता है आईएएस नवीन को मनाने का, बट फेल। भाई अभिलाष इगोइस्टिक आदमी खुद से ही समझ गया तो ठीक, वरना उनपे टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, समझ जा। ठीक। तो वेल प्रेजेंट टाइम में आईएएस नवीन से मिलने आते हैं अपने पीसीएस संदीप महेश्वरी, अरे वाह, जो आके इंस्पायर करते हैं कि यूपीएससी नहीं हुआ मेरा क्लियर, घर वालों के भी निकले थे बहुत टीयर, फिर घराड़ी भी छोड़ के चली गई पियर, लास्ट ऑप्शन पीसीएस बचा था मेरे पास, कर दिया मैंने एक अटेम्प्ट में क्लियर। तो छोटे एम्ब्रेस योर फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्ती और फैमिली सेक्रीफाइस करके करियर नहीं बनता। चल अब मैं निकलूं, रबीश की शादी में भी जाना है, बाई। तो अपना लौंडा इंस्पायर होके रबीश की शादी में चला जाता है और अपनी एक्स का उल्टा चश्मा भी फेंक देता है। वाह भाई काफी अमीर। करना पड़ता है। हाँ पर ये आईएएस कैसे बना। अच्छा पास्ट में अचानक से पता चलता है कि 2014 में गवर्नमेंट ने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट्स को बढ़ा के 6 अटेम्प्ट्स कर दिया था। वाह तो ऐसे बना ये आईएएस। और वेल दोस्ती भी हो गई फिक्स, मतलब एक्स की शादी में है तो इट्स स्टिल ऑकवर्ड बट व्हाटएवर, थैंक यू संदीप भैया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। ओयो के रिलेशनशिप ओयो में ही रह जाते हैं, तो यूपीएससी पे ध्यान दो, ठीक है बड़े आए आईएएस बनेंगे। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गाइस सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। सॉरी। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
ना जाने यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एक हाथ में दारू चिकन का कटोरा, धैर्य के लिए पोजेसिव सा हो रहा। संदीप भैया बोले अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। ना जाने यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एक हाथ में दारू चिकन का कटोरा, धैर्य के लिए पोजेसिव सा हो रहा। संदीप भैया बोले अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा।